तुम दस दिए किसानों के प्रदर्शन लैके चंडीगढ़ पुलिस का एक्शन वेखन मिले। किसान आगू बलदेव सिंह लखा सधाना ते दीप सिंह वाला के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। पंजाबी गायक जस बाजवा अते अदाकारा सोनिया मान के खिलाफ भी परचा दर्ज किया गया। दस दिए कि राज्यपाल को मांग पत्र सौंपने वेले किए गए प्रदर्शन आधार बना के यह कार्रवाई की गई है। केंद्र सरकार खिलाफ किसानों की आवाज़ दबाना आवाज़ दबाना चाहती है सरकार अते पुलिस, यह कहना है किसान आगुआ का। तुहानू दस दईए लंघे दिन राज्यपाल के नाम ज्ञापन मंग पत्र सौंपन का किसान मार्च का जिहड़ा प्रोग्राम तुसीं वेख्या उस दौरान कई तस्वीरां निकल के सामने आई हैं। किसानों वालों स्पष्ट रंग दे नाल केंद्र नूं चेतावनी दी गई कि यह साडा रोष है, साडा गुस्सा है। हालांकि किधरे भी कोई वड्डी हिंसा नहीं की गई। हाँ, पुलिस के खिलाफ आवाज़ जरूर इस करके बुलंद की गई कई थावां ते क्योंकि किसानों अगे वधन तों रोकिया गया सी, पर फिर भी हुण जो काम पुलिस ने किया है वो तुम्हें दस रहे हैं। किसान आगू बलदेव सिंह लखा सधाना और दीप सिंह वाला के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इस दे नाल ही किसान मार्च के शामिल पंजाबी गायक जस बाजवा और अदाकारा सोनिया मान के खिलाफ भी परचा दर्ज किया गया। किसान आगुआ का कहना है कि केंद्र किसानों की आवाज़ को दबाना चाहती है। चंडीगढ़ पुलिस ने परचा राती दर्ज किया है, कोई पहली बार परचे दर्ज नहीं हुए। इस तो पहले भी बड़े हो चुके हैं, दिल्ली भी हो चुके हैं, तो ये इत्थे भी हो गया, तो कोई फर्क नहीं पैंदा। ये सरकार हुण घबरा चुकी है, दिल्ली प्रशासक आ। असल गल ये आ कि सानू इस तरह समझते ने कि जिवें असी कि विदेशी मूल दे हुंदे आ। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ तो चंडीगढ़ साडी राजधानी होवे, असी अपनी चंडीगढ़ राजधानी दे विच भी नहीं जा सकते, इदों वड्डी होर साडे नाल बेइंसाफी की होवेगी। और साडे जिहड़ा असी शांतमई अंदोलन असी शुरू किया, हुण तक शांतमय चलिया, कल भी शांतमय से। तुसीं वेख्या कि लखां दी गिनती विच कल लोग उत्थे पहुँचे ने, और सरकार जिहड़ी आ उह घबराई आ, जो उत्तों हदायत आउंदियां उहनां दे मुताबक ये कार्रवाइयां करदे ने। शांतमय साडा अंदोलन चलिया, शांतमय निबड़ गया है। ये एक सेंटर सरकार दी साज़िश है, मतलब हर एक बंदे नूं मतलब चक्कर दे विच फसाउणा भी उहदे तरीकां दे गेड़े लवाउणे। इस तरीके नाल साडे अंदोलन नूं नहीं दबा सकदे। मैं संयुक्त मोर्चे वल्लों चंडीगढ़ प्रशासन की ते नाल मैं जे कहां सरकार की सेंटर सरकार की सख्त लफ्ज़ां दे विच निंदा करदा, ते जिहड़े भी जिन्ने भी साडे कल वाले किसी भी आगू ते किसी समागसिव ते किसी भी कोई आगू है जिहते भी परचा दर्ज करे उह सरकार कैंसल करे। चंडीगढ़ प्रशासन ने एक खबर आई है कि किसानां ते ते किसान लीडरां ते भी चंडीगढ़ प्रशासन केस दर्ज कर रहा, परचे दर्ज कर रहा, जिहड़ी कि बहुत मंदभागी घटना हैगी आ, क्योंकि सारिया पार्टियां ने चंडीगढ़ साडी राजधानी आ उत्थे ही मुजाहरे ते प्रोटेस्ट करने हुंदे आ। लोकतंत्र दे विच सानू पूरन अधिकार आ आपदी गल रखण दा, प्रोटेस्ट करन दा, मुजाहरे करन दा, इह सुप्रीम कोर्ट दी रूलिंग भी आ। असीं पहलां भी मीटिंग करके प्रशासन नूं इह कहा सी वी असीं चंडीगढ़ दे विच एंटर करांगे, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ 8 ਧਾਰਾਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ कोई एक सबूत वह मैनू दे देण कि मैं चंडीगढ़ दे विच आ। क्यों लाइया ने? जां तां फिर उन्होंने कोई गलत फहमी हुई है, जां उह पुख्ता दुबारे इहदी जांच पड़ताल करन। मैं चंडीगढ़ दे विच हाजिर नहीं सी, प्रशासन का मैं सन्मान करदा। हो सकदा प्रशासन की भी कोई मजबूरी होवे, क्योंकि जिहड़े फेस किसानी संघर्ष दे विच चल रहे है हुण, अगे अगे तुहानूं पता सियासी लोकां दा माहौल है, इलैक्शन आने वाली ने, किवें गौरमेंट सेंटर की सरकार है जिहड़ी प्रेशराइज करके प्रशासन के थ्रू एक काम करवा रही है। प्रशासन का भी ये मैं कोई ज़्यादा पुख्ता दोष नहीं कटूँगा, पर प्रशासन मैं इन्नी गल जरूर चंडीगढ़ प्रशासन को कहूँगा कि जदों मैं उत्थे है ही नहीं सीगा तो फिर ये 8 धारावां जिहड़ियां मेरे ते लगियां ने इहदा कोई मैनू पुख्ता हो ज़्यादा सबूत दे देण, मैं बिल्कुल कोऑपरेट करन नूं तैयार हाँ, जां मैनू जवाब दे देण कि किस बिहाब ते ये FIR मेरे ते दर्ज की गई है। जे मेरा प्रशासन कोई सबूत है कि मैं चंडीगढ़ दे विच दाखल सी, जां मैं कोई भन तोड़ की है, तो मैं आप बिल्कुल चल के जाण नूं तैयार हाँ, मैं आप अपना गुनाह कबूल करन नूं तैयार। उधर श्रोमणी अकाली दल के बुलारे डॉक्टर दलजीत चीमा ने भी सारे मामले के बयान दिता। उन्होंने कहा कि मामला वापस होना चाहिए, परचे रद्द होने चाहिए ने।
चंडीगढ़ प्रशासन वालों अपने हकों वास्ते संघर्ष कर रहे किसान आगुआ जिहड़े कल केस दर्ज किए गए हैं, मैं श्रोमणी अकाली दल की तरफों उद्दीन की गल बड़ी मंदभागी गल है कि गवर्नर साहबान को मैमोरेंडम देने वास्ते उचेचे तौर के उत्ते दोवें सूबों के किसान आगू चंडीगढ़ पहुंचे से, पर चंडीगढ़ के राजधानी होंदया होया जी डेमोक्रेसी है ये हौली हौली खत्म की जा रही। कोई भी एसोसीएशन कोई भी पार्टी अपने हकी मंगा वास्ते अगर संघर्ष करने वास्ते कोई मेमोरेंडम देने वास्ते चंडीगढ़ पहुँचती है तो आम आदत बन गई है कि सारे के उत्ते केस दर्ज कर, यह बहुत ही अनडेमोक्रेटिक है। चंडीगढ़ प्रशासन को केस तुरंत वापस लेने चाहिए है और इस तरह के हथकंडे वरतन तो इन्हों हमेशा गुरेज करना चाहिए।